খালা চায়। बेटा मैं मानती हूँ ये सारी बातें सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन बख्तावर मजबूर हो गई थी। मैंने तो उसको बहुत रोका था, पर इतने बड़े शहर में आके खौफजदा हो गई थी, डर गई थी। उस वक्त अपनी हिफाजत के लिए उसे जो मुनासिब लगा वो उसने किया। चेहरे मस्जिद मंदिर से सारे झूठे हैं अंदर से, कभी उड़ा कभी मुड़ा किसी से ना जुड़ा, खुद से रूठा हुआ हूँ कैसे खुद को लगा शायद मैं तुम्हें वो लड़कियों जैसे होने का ताना दे रहा हूं। क्या हो गया यार, मैं तो बस तो नूरा से शादी कर रहा हूं। माफी चाहता हूं, आप लोगों में किसी की नीयत परखने और पहचानने की बिल्कुल सलाहियत नहीं। मैं ऐसी किसी मजबूरी को नहीं मानता खाला, तो बख्तावर जैसी मजबूत लड़की को ऐसा इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर कर दे। माना वो अकेली थी, खौफजदा थी, लेकिन क्या मैं और नायमा उसके लिए गैर थे? हम हमेशा महज एक फ़ोन कॉल की दूरी पर थे। अगर वो मुझसे पूछ लेती तो मैं कभी उसे इस दलदल में फंसने ना देता। नहीं, पीछे उड़ के देखने वालों में से नहीं है और ना ही देखना चाहती थी। तुम भी अपनी तालीम हासिल कर रहे थे, हमारी क्या मदद करते? हमारी तो सारी बरादरी उसकी शादी करवाने पे तुली हुई थी। मगर फिर भी खाला, मैं वहां पर भी हाजिर था। कहती थी कि शादी इस मसले का हल नहीं है। ऐसे ही है वो, हमेशा से सर फिरी सी, हालात के आगे डट के खड़ी हो जाने वाली। एक लम्हे के लिए तो ये समझी कि अपने मर्जी के रास्ते बना लेगी, नसीब बदल लेगी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बख्तावर से बख्तू बनकर भी देख लिया, नसीब में ठोकरें खाना लिखी थी ना, आज भी वो ठोकरें खा रही है। खुद को संभालें खाला, मैं हूं ना, मेरे होते हुए बख्तावर और कोई दुख नहीं उठाएगी। मलिक साहब, होने को कुछ भी हो सकता है, ये मामला इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। वो लड़की, मेरा मतलब अरे जो भी है, हो सकता है वो ठीक कह रही हो, लेकिन सबूत क्या है उसके पास? हो सकता है यहाँ आने से पहले वो लड़की बाल कटाकर और आवाज बदल कर अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही हो। ऐसे मुजरिम बहुत शातिर होते हैं। लेकिन बख्तू को झूठ बोलने की आदत नहीं है। मलिक साहब, यहाँ जो दिखता है वैसा होता नहीं है। यहाँ हर इंसान पर्दे के अंदर कुछ है और पर्दे के बाहर कुछ। सच क्या और झूठ क्या है, मुझे उसकी सारी डिटेल चाहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।